लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दिल्ली में बारिश की शानदार वापसी, सप्ताहांत तक जारी रहेगा बारिश का दौर, इंतजार की घड़ियां आखिरकार खत्म हुई। दिल्ली में शुक्रवार की दोपहर तेज बारिश हुई। दोपहर में मौसम का मिजाज अचानक बदला। दिल्ली और उससे सटे आसपास के इलाकों जैसे नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में काले घने बादल छा गए। हवा के तेज झोंके के साथ बारिश और गरज के साथ बौछारें दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली, जिससे मौसम सुहाना हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में आज मूसलाधार वर्षा हुई। दोपहर बाद शुरू हुई बारिश के बाद मेगाहर्ट्ज 2 से 3 घंटे में ही पूसा में 69 मिमी, आयानगर में 54 मिमी, नई दिल्ली में 37 मिमी, गुरुग्राम में 22 मिमी। हालांकि बादलों की मौजूदगी गुरुवार की शाम से ही देखी जा सकती थी, लेकिन बारिश की गतिविधि शहर के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रही, जबकि दिल्ली के अधिकतर लोग बारिश की आस लगाए बैठे थे। गुरुवार को सुबह 8:30 बजे से पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के पालम मौसम विज्ञान केंद्र में सिर्फ 1 मिमी बारिश ही दर्ज की गई। वैसे दिल्ली वासियों को अभी भी अच्छी और जोरदार बारिश का इंतजार है, क्योंकि पिछले दिनों गर्मी और उमस काफी बढ़ गई थी। अब स्काईमेट वेदर भी पुरुम्मीद है कि आज दिल्ली एनसीआर में अच्छी बारिश का दौर अभी जारी रह सकता है। स्काईमेट वेदर के अनुसार वर्तमान में मानसून की अक्षीय रेखा दिल्ली के दक्षिण में आगे बढ़ रही है। हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि कम दबाव का यह क्षेत्र दिल्ली के ऊपर थोड़ा उत्तर दिशा की तरफ मुड़ सकता है। इस वजह से दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों जैसे कि नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा बारिश की मौजूदा स्थिति कम से कम अगले 4 से 5 दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि स्काईमेट वेदर के मुताबिक बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद नहीं है, कम देर के लिए, लेकिन तेज बारिश होने का ही अनुमान है। अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और मौसम खुशगवार बना रहेगा। इस वजह से यकीनी तौर पर लोगों को गर्म और उमस भरे मौसम से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली में जून महीने का अंत बरसात के साथ हुआ था और जुलाई की शुरुआत में कुछ हल्की बारिश हुई थी। हालांकि दिल्ली और एनसीआर में मानसून ने जल्दी एंट्री मारी थी, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में अब तक बारिश के प्रदर्शन को कमजोर कहा जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में मानसून आने के बाद सिर्फ एक बार 3 जुलाई को ही शानदार बारिश का नजारा देखने को मिला। हालांकि पिछले दिन भी दिल्ली एनसीआर में कहीं कहीं थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, लेकिन उससे हालात में कोई खास फर्क नहीं पड़ा।